ट्रुथ या डेयर, क्या लोगे भाई? यार देखो कुछ तो ले लो, मतलब फ्री में दे रहा हूँ, कुछ कुछ भी उठा लो, क्योंकि आज हमारे कंटेस्टेंट को ट्रुथ या डेयर में से कुछ चूज करना ही पड़ेगा भाई। इसके साथ साथ हमारे पास है लाइट डिटेक्टर मशीन, यस सर। और गाइस, अगर किसी ने झूठ बोला या फिर डेयर नहीं किया तो उन्हें मिलने वाली है खतरनाक पनिशमेंट। तो देखो ये रहे हमारे अरे कंटेस्टेंट कहाँ है? वेट गाइस, कंटेस्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है भाई। लेकिन छोड़ो, अपन सब्सक्राइब बटन को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि आप लोग कर देते हो यार। गाइस सब्सक्राइब बटन इग्नोर करने के लिए नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये सब दबाने के लिए। गाइस यार सब्सक्राइब दबाओ गाइस, क्या फ्री का माल है यार, मजा नहीं करते। अपन अपना ट्रू एंड डेयर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, ये रहे हमारे शानदार कंटेस्टेंट। और गाइस देखो, ये शानदार कंटेस्टेंट के बाद हमारे साथ एवेंजर्स भी आज ट्रूथ एंड डेयर खेलने वाले हैं। लेकिन पहले देखते हैं ये लोग कैसा परफॉर्म करते हैं भाई। तो देखो, सिंपल सा टास्क है भाई, तुम लोग को जो भी लेना है ट्रूथ या डेयर, तुम लोग आना और कोई एक को चूज कर लेना, उसे फोड़ देना। अगर तुमने ट्रूथ फोड़ा है तो उसके ऊपर एक ट्रूथ आ जाएगा क्वेश्चन, और तुम्हें वो बताना पड़ेगा। और अगर झूठ बोला ना भाई, तुम्हारा लाई डिटेक्टर है पकड़ लेगा, और फिर इस डब्बे को खोलने से तुम्हें डेयर मिलेगा। और गाइस डेयर तो इन्हें करना ही पड़ेगा, मतलब मेरे पास बहुत ऐसी ऐसी चीज है ना कि अगर ये डेयर नहीं करते तो भाई इनके साथ बुरा हो जाएगा। तो जैसे कोई नया चैलेंज होता है तो क्या होता है, सबसे इंटेलिजेंट बंदे को भेजा जाता है ना। लेकिन अपन यहाँ पे उल्टा करते हैं, इसीलिए कुछ भी स्टार्ट करना होता है तो हम लोग आलोक से स्टार्ट करते हैं भाई। अरे तुम मुझे इंटेलिजेंट बताना चाह रहे हो या फिर मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ ये बताना चाह रहे हो? भाई मैं तो कुछ बताना नहीं चाह रहा हूँ, तू इंटेलिजेंट है या नहीं वो तो अभी पता चल जाएगा। एक काम कर, जा तू एक बार चूज कर ले कि तू ट्रूथ लेना चाह रहा है या डेयर लेना चाह रहा है। अरे यार क्या लो, अगर मैं डेयर लेता हूँ तो भाई कुछ ऐसे कारनामे करा देगा ये बंदा कि गाइस मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए मैं ट्रूथ लेता हूँ भाई। एटलीस्ट सच ही तो बताना, सच बताने में कौन सा मेरे बारे में सबको कुछ पता चल जाएगा, सच बताते हैं सच। अरे मैं ट्रूथ लेने वाला हूँ, चलो 3, 2, 1 लेट्स गो। ये क्या लिखा है, क्या आप ऐसा करोगे? अगर आपको $1,000,000 दिया जाए तो आप एक छोटे से पप्पी को नाली में फेंकोगे क्या? अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इससे तो मेरे बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में पता चल जाएगा, अब क्या करो? सोच ले भाई, झूठ नहीं बोल सकता है तू। गाइस यहाँ पे लाई डिटेक्टर लगा है, अगर कोई भी आसपास ना इस जगह पे झूठ बोलता है तो फटाक से पता चल जाएगा। ऑल राइट गाइस, मैं ना चेक कर रहा हूँ भाई, आलो क्या बोलता है बता बता। अरे यार देखो, अगर बात 1,000,000 की हो तो मेरा एक छोटे से पप्पी को यार थोड़ी देर के लिए नाली में फेंकने से क्या हो जाएगा? नाली में पानी भी सॉफ्ट रहेगा और मुझे $1,000,000 मिलेगा, तो मैं पप्पी को नाली में फेंकूंगा, और फिर अगर उसको थोड़ी बहुत चोट लगेगी तो मैं उसको बहुत मस्त मस्त चीजें भी खिला पिला दूंगा यार। आइला मालिक, मुझे पता नहीं था कि आप इतने ज्यादा निर्दयी हो गए। इसका मतलब अगर कल को मेरा बच्चा हुआ और अगर कोई पैसा देने को तैयार हो गया तब तो आप मेरे बच्चे को नाली में डाल दोगे। अरे नहीं नहीं यार, ऐसा भी नहीं है। अरे यार ये लोग तो मेरी पोल पट्टी खोल दिए भाई, अब तुम लोग सब मुझे बेकार आदमी समझोगे है ना? अब से थोड़ी समझेंगे, हम तो आपको पहले से ही बेकार आदमी समझते थे। डिचका डिचका जी, अब हम आपको माँ बेकार आदमी समझेगा जी, क्योंकि अब आप आदमी नहीं है जी, आप पैसे के लिए छोटे से बच्चे को नाली में फेंकने के लिए तैयार हो गए जी। चलो जी हमारे नजरों से दूर जाओ जी, हम डॉगी लोग का अपमान करते जी, तुम हमारे डॉगी समाज में इतना इज्जत है जी, भागो इधर से। अरे यार ये ट्रूथ एंड डेयर वाले गेम ने मेरी इज्जत का भाजीपाला कर दिया। ए भाई चल, इज्जत होगी तब ना तेरा भाजीपाला होगा, इधर से जा तो तू। हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, मुझे जाने के बाद मुझे याद करोगे। गाइस आलोक चाचा जी को उनके घर वाले उसे याद नहीं करती, हम लोग क्या करेंगे? चलो यार नेक्स्ट टाइम तो मेरी है। गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं डेयर लूँ या ट्रूथ। देखो अगर डेयर लेता हूँ तो भाई सर पे बहुत बोझ आ जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं अभी सोच नहीं पाया हूँ। आर्यन भाई सुनो सुनो, मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया हूँ मैं ट्रूथ लूँ या डेयर, इसलिए मैं ना इस एक टर्न के बाद जाऊँगा, अभी आप किसी और को भेजो। ऑलराइट भाई माइकल एक काम कर, शिनचान के बाद तो टेक्निकली तू ही आता है, तो तू आगे आ जा। अरे यार ये सारे छोटे मोटे बच्चे वाले जो चैलेंजेस होते हैं ना, ये मैं कर नहीं पाता हूँ, सॉरी। हाँ ये तुम किसी और से करा लेना। अच्छा कर नहीं पाता या कि डर बहुत ज्यादा जाता है? क्योंकि गाइस ऐसे सब चैलेंजेस है ना, इंसान की रियल पर्सनैलिटी पता चलती है भाई।
अब गाइस देखो अपन को आलोक के रियल मतलब उसके अंदर के क्या विचार है वो पता चल गया। और गाइस अगर ये बंदा ट्रुथ लेता है तो भी फंसेगा क्योंकि सच बताना पड़ेगा। और गाइस अपने सवाल भी गाइस छोटे मोटे नहीं है, और अगर डेयर लेता है तो भाई तब तो मजे ही मजे है। देखते हैं क्या लेता है यार। अरे यार देखो अगर मैं ट्रुथ लेता हूँ तो मेरे अंदर के पोल पट्टी सब खुल जाएगी, उससे बढ़िया है डेयर ही लेता हूँ, कुछ ऐसा ही छोटा मोटा होगा करके निपटूंगा। ठीक है मैं डेयर ले रहा हूँ आर्यन, ठीक है। ऑल राइट भाई ठीक है, देख ले तू डेयर ले रहा है ना। गाइस अभी इसको ऊपर में डेयर दिखाई देगा। चलो मैं खोल कर देखता हूँ। ये क्या है? पड़ोसी के घर जाओ, उसकी बेइज्जती करो, उसके बाद उसको मस्का पॉलिश करके उससे नमक मांग कर लाओ। अरे भाई ये कैसा डेयर है यार, ऐसा डेयर तो मैं कभी सोचा ही नहीं था। भाई ये बढ़िया डेयर है, मजा आएगा गाइस। वैसे भी ना हमारे जो पड़ोसी है ना उनसे हमारी कभी कभी बनती है कभी कभी नहीं बनती है, आज देखते हैं क्या होता है। पहले तो माइकल को बेइज्जती करना होगा भाई, मजा आने वाला है। हाँ माइकल एक चीज याद रखना, तुझे एंड में नमक मांग के लाना ही है। अगर तूने उनकी बेइज्जती की उसके बाद उनकी तारीफ की पर नमक मांग के नहीं ला पाया तो अब तेरा जो डेयर है ये अनसक्सेसफुल होगा और तुझे पनिशमेंट मिलेगी जो कि बहुत मजेदार होगी। लेकिन हाँ अगर तू नमक सक्सेसफुली मांग के ले आता है तो फिर तुझे पनिशमेंट नहीं मिलेगी। गाइस देखते हैं, पड़ोसियों से नमक मांगना वैसे भी कोई आसान काम नहीं है, और यहाँ तो बेइज्जती करने के बाद मांगना है भाई, लेट्स सी। अरे और ये कैसे कैसे डेयर मिल गए मुझे, चलो मैं फटाफट चलता हूँ पड़ोसी के घर। अरे यार मैं आ तो गया हूँ, ये लोगों के पास जाने का तो मेरा मूड ही नहीं होता यार, पहले तो इनकी बेइज्जती करनी पड़ेगी। चलो मैं आ तो गया हूँ पड़ोसी के घर। अरे यार इसके पास तो मैं एक महीने से आया ही नहीं हूँ, अब अचानक से घर पधार गया हूँ, पता नहीं ये क्या करेगा। चलो बैल बजा कर देखता हूँ कोई बाहर आ जाए। अरे भाई बैल बजाए इतने देर हो गया कोई आ ही नहीं रहा है, कोई तो आ जाए भाई, अगर कोई बाहर ही नहीं आएगा तो मेरा डेयर अनकम्प्लीट हो जाएगा। अरे वाह वाह कोई तो निकला। हाँ जी बताइए कैसे आना हुआ एक महीने बाद, अरे आप जिंदा भी है हमें पता नहीं था। बताइए बताइए आप कैसे हैं, चले अंदर आइए चाय वाय पिए, हमारे सामने इतने समय बाद आए हैं आप, अगर आपको कुछ भी काम है तो हमें बता दीजिए। काम मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि तुम्हारे घर से कितनी बदबू आती है, क्या तुम लोग हर दिन पॉटी करके फ्लश करना भूल जाते हो हा? या फिर अपने कचड़ों में या फिर अपने घर में साफ सफाई नहीं करते हो क्यों? मुझे तो ऐसे लगने लगा है कि तुम लोग जानवरों की तरह रहते हो। बताओ तुम्हारे लिए मैं यहाँ के लोकल पेट पालने वालों को बुला लूँ क्या, तुम सबको बंद करके ले जाएंगे वो लोग। अरे क्या बोल रहा है भाई, तुम अपने होश में तो हो कि नहीं हो? हाँ अभी मैं होश में आ गया हूँ, पहले होश में नहीं था। क्या है ना वो मैं तुम लोग इतने हैंडसम दिखते हो कि मैं क्या बताऊँ, तुम्हारा चेहरा देखो ऐसा लग रहा है वाह 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 क्या हैंडसम हो भाई, अगले मिस्टर वर्ल्ड तो तुम ही बनोगे। और मैं ये भी बता रहा था अपने बच्चों को कि बाजू वाले अंकल से सीखो कि वो अंकल कितने फिट है यार, मैं ये सोच रहा था कि ये जो बाजू वाले अंकल है ये कौन से चक्के का नमक खाते होंगे, कैसा नमक खाते हैं, इसीलिए हम चाह रहे थे कि आप इतने हैंडसम हैं तो आप जो भी नमक खाते हैं वो नमक हमें भी दीजिए, हम भी हमारे घर में वही नमक यूज करेंगे ताकि हम भी आपके जैसे हैंडसम हो जाए। हैं? अरे बाप रे ये तो पागल हो गया है, क्या क्या बोलता है भाई, कभी बोलता है हमसे बदबू आता है, कभी बोलता है हम हैंडसम है, नमक दीजिए हम भी हैंडसम हो जाएंगे। अरे भाई तुम्हारा होश ठीक है कि तुम हिल गए हो, इसके घर में बताना पड़ेगा भैया इसका हालत खराब हो गया है। अरे रुको रुको मुझे बस नमक दे दो मैं चला जाऊंगा। अरे नमक मांगता है कैसा है भाई तू, तेरे को नमक से क्या हो जाएगा यार, तेरे घर में नमक की कमी है क्या? अरे मैं बताया ना तुम्हें कि हमें असली में तुम इतने हैंडसम हो ना, हमें भी हैंडसम होना इसलिए हमें नमक चाहिए था। अरे पागल है भाई नमक दे देता हूँ नहीं तो पता नहीं क्या कर देगा, ला रहा हूँ भाई रुक जा। भाई बैग भर के नमक रख, अगले 10 साल तक नमक खाते रहे और वापस कभी मत आना ठीक है। हाँ सा मर रहा वापस आने के लिए, नमक के लिए थैंक यू। अरे भाई नमक तो मिला यार, यार ये कैसे कैसे डेयर देते है, कर लिया मैंने डेयर देखे की नहीं। हाँ भाई एक ड्रोन गया था ना तेरे साथ, क्या डेयर किया है भाई, पहले उस बंदे को कुछ भी बोल दिया फिर उसकी तारीफ कर दिया, बट भाई कॉन्ग्रेट्स तूने नमक लिया इसलिए नो पनिशमेंट, अब तू यहाँ से जा सकता है। अरे क्या नो पनिशमेंट यार, अब उसके साथ मेरा हमेशा के लिए संबंध खराब हो गया यार, ये ना मेरा दिमाग खराब कर दिया, एक तो वो पड़ोसी से मेरे ऐसे ही पटती नहीं है और अब और नहीं पटेगी। हाँ भाई शिनचैन सोच लिया ना। आर्यन भाई मैं सोचते लिया हूँ, गाइस मैंने डेयर देख लिया भैया बहुत हार्ड हार्ड होते है और करना कितना मुश्किल है, अगर नहीं करो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, भैया इससे अच्छा तो है मैं चुपचाप ट्रुथ ले लेता हूँ। ऑलराइट कम ऑन ब्रो वेलकम, देखते हैं गाइस क्या करता है ये। ठीक है बहुत खुश हो रही हूँ, लेट्स गो।
ये क्या लिखा है? क्या तुमने कभी बिस्तर पर सुसू किया है? ये क्या, ये तो मेरे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरी प्राइवेसी को इन्वेड ना करो। अरे यार आर्यन भाई, क्या सच सच बताना पड़ेगा? और इन तो क्या, झूठ बोल के दिखा दे, पता चल जाएगा यहाँ पे अभी हम लोग को। हाँ भाई ध्यान से सुनना, ये ना बिस्तर हर दिन गीला करता था और मेरे ऊपर इल्जाम लगा देता था। डिचका डिचका जी, हमको तो लगता था कि तुम्हें बिस्तर गीला करता है जी, हमको कभी पता नहीं चला, आज हमको सच्चाई का पता चलेगा जी। अच्छा चलो ठीक है, मेरा आंसर है यस, मैंने काफी बार बिस्तर गीला किया है रात को सती सती। अब गाइस क्या करूं, मैं छोटा सा बच्चा हूँ ना, तब छोटे बच्चे होते हैं तो बिस्तर तो गीला कर ही देते है। गाइस आप में से कितने लोगों ने बिस्तर गीला किया है मुझे कमेंट्स में बता दो। हे भाई उनका भी ट्रूथ डेयर नहीं चल रहा है, ठीक है गाइस आप लोग से तो इस तरह ट्रूथ के क्वेश्चन पूछ लिया है। ए लेकिन एक मिनट, इसका मतलब तू हर दिन चॉप पे इल्जाम लगा रहा था। गाइस मैं लिटरली डेली चॉप को डांट रहा हूँ कि भाई तू बिस्तर गीला ना किया कर, और आज पता चल रहा है कि शिनचैन था। वही तो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, एक तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की तो कोई इज्जत नहीं है, और दूसरी मेरे ऊपर कोई यकीन भी नहीं करता है। ये कैसा डॉगी हो गया हूँ मैं, मेरी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। आई मीन होनी तो चाहिए, बट भाई तेरी हरकत बेकार है ना, तेरी हरकत के कारण ही तेरे को पड़ती रहती इधर उधर से डांट। ऑल राइट शिनचैन, यू कैन गो नाउ। क्या गुना, पूरी बेइज्जती हो गई, इतनी बढ़िया इज्जत बन रखी थी। गाइस जो भी बंदा ट्रूथ लेता है ना उसकी बहुत बुरी बेइज्जती होती है भाई। चलो ससुरा, हम तो ये ट्रूथ लेने से रहा भैया, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, घर पे हम काम दिखाएगा, हम ही काम करेगा, हम लेगा डेयर, हम लेगा डेयर, हमारी कोई बेइज्जती नहीं होगी। ससुरा ए डेयर, हम तुमको डेयर देता है कि हमको अच्छा डेयर देना। हाँ भाई ठीक तो है ना तू। चलो ससुरा, अरे ही रील्स के गाने पर ऐसा नाचो कि सबको हंसी आ जावे। अरे ससुरा हमको नाचने वाला बना दिया, अब तो हमको नाच नहीं पड़ेगा ससुरा। ओ माय गॉड गाइस, अगर आपको ट्रेवर का डांस पसंद आ गया ना तो ये देखो सब्सक्राइब 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 गाइस, इसके डांस के लिए एक सब्सक्राइब बनता है यार, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। ऑल राइट भाई ट्रेवर, वेरी गुड, अब तुम अपने घर जा सकते हो। ससुरा हम घर जाने के लायक बचा कहाँ है, हम भाग रहे हैं ससुरा। हम ही सोच के आया था कि हमारी इज्जत डेयर पे नहीं जाएगी, लेकिन ही ससुरा हमारी इज्जत बची कहाँ है, अब हम जा रहे हैं, हम अपना मुंह डुबा के पानी में डूबेगा। आई मीन मतलब डेयर अच्छा था गाइस, डेयर बुरा नहीं था, मजा आया मेरे को तो देखने में। वही तो आप तो देख रहे हो ना खड़े होकर, इतना मजा आएगा ही। गाइस आखिरी में ना हम इससे भी कुछ ना करा के ही रहेंगे भैया, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, हम भी चुप है। आइला अगर तुम भी चौप हो तो अगली तुम्हारी टर्न है, जल्दी से जाओ। वही तो भाई, अगली मेरी टर्न क्यों है? गाइस मैं एक बस चीज करने वाला हूँ। देखो अब क्या है, ट्रूथ में अगर लूंगा तो मेरे ऐसे ऐसे सीक्रेट्स खुल जाएंगे जो मैं चाहता नहीं हूँ, तो मैं काम करता हूँ, मैं चुपचाप डेर लेता हूँ। मास्टर आप मेरे लिए डेयर वाला ब्लॉक्स खोल दो। ऑलराइट गाइस देखते हैं भाई, डेयर अपन चॉप के लिए खोल रहे हैं, क्या खुलेगा भाई। 3, 2, 1 लेट्स गो। वीडियो खत्म होने तक गाना गाते हुए बात करो। ऑलराइट इंटरेस्टिंग, गुड डेयर। अरे व्हाट इज योर नेम? मेरा नाम है चॉप, मैं हूँ बहुत हैंडसम डॉग। अच्छा हुआ तेरे को ट्रूथ नहीं मिला था भाई, वरना ये कहीं से भी ट्रूथ नहीं होता, तेरे को सजा मिलती सजा। नहीं नहीं ये है बिल्कुल सच, मैं हूँ बड़ा स्मार्ट, और गाना गाना कोई मुझसे सीखे, बिकॉज गाना गाना इज एन आर्ट। ओ भाई इसके अंदर का अरिजीत सिंह कहाँ से जाग रहा है। ए भाई तू एक काम कर यार, तू यहाँ से चले जा तो। आने वाला तो जाएगा ही, और जाने वाला तो आएगा ही, बाय बाय। ए भाई ये गाइस मेरे को तो चौप के ना बिल्कुल इरादे ठीक नहीं लग रहे, कुछ भी गा रहा है भाई बंदा। मास्टर मेरा जाने को नहीं कर रहा है मन, मैं बाजू में खड़ा होता हूँ, कर दो इस बात को अपने तरफ से डन। अरे वाह भाई ये बढ़िया था, ठीक है काम कर, चल तेरा जाने का मन नहीं है ना मत जा, यहाँ पे खड़ा रहे बस, ना फालतू की बातें मत करना। अगर वो फालतू की बात नहीं करेगा तो फिर चॉप क्या करेगा?
चुप वो करेगा जो तू भी नहीं करेगा, और अगर ज्यादा बोलेगा तो चुप तुझसे लड़ेगा। अरे भाई लड़ेगा बढ़ेगा। अब गाइस अपने पास दो डॉगी बचे और इन दो डॉगियों के बाद अगर हम बुलाएंगे एवेंजर्स को तो वो भी आएंगे। हम उन्हें नहीं बुलाएंगे क्योंकि हम मास्टर से अगला टर्न करवाएंगे। अरे यार नहीं 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 गाइस, मेरे को ना यही डर था भाई, इनको याद ना है बस। गाइस यार अगर इनको गलती से भी याद आ जाता है ना कि मेरी टर्न है तो भाई बहुत दिक्कत होगी। कैसे भी करके ना इन्हें भुलवा दूंगा कि मेरी टर्न आने वाली है, और ना मैं ना एकदम चलाकी से एवेंजर्स को घुसा दूंगा। भाई मुझे नहीं करना भाई, ये बहुत खतरनाक ट्रिक दे रहे भाई। इनके साथ करने में मजा आया, अब मेरी टर्न आ रही तो मेरे को बहुत डर लग रहा है। फिलहाल ना अभी अपने पास दो कैंडिडेट बचे हैं। ए भाई स्नोप चल आ जा, आगे आ जा। ठीक है ये बता भाई स्नोप की तू ट्रूथ लेगा या डेयर लेगा। डिचका जी हमारे भाई को तो तुमने टिक टाक डेयर मिला जी, लेकिन हमको हमारा भरोसा नहीं जी, इसलिए हम चुपचाप ट्रूथ लेगा जी। हमारे पास ऐसे भी कोई सीक्रेट नहीं है जी जिससे हमारी बेइज्जती है, इसलिए हम ट्रूथ लेगा जी। ऑल राइट देन देखते हैं भाई इसके में क्या निकलता है। ठीक है ऑल राइट गाइस 3 2 1 लेट्स गो। क्या तुमने कभी झूठ बोला है? बोला है जी हमने बहुत सारे झूठ बोले जी, हमको बोलना ही पड़ता है जी। अगर हमारे पास एक चॉप जैसा भाई हो तब तो झूठ बोलना ही पड़ेगा ना जी। भाई ये कैसी एक्सप्लेनेशन है, चॉप जैसा भाई तो झूठ बोलना पड़ेगा। वाह 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 भाई बाजू हटिए आप। अब आइए हमारे छोटू उस्ताद आप सामने आइए। आइला मैं भी ट्रुथ लूंगा, मेरे को भी डेयर करने का कोई शक नहीं है, इसके जैसे बंधु नहीं बनना है मुझे। मुझको बोलता है बंधु पड़ेगा एक एक घुसा समझा मुसा। क्या इसको गाना गाने का डेयर क्या मिला है, ये कुछ भी गा रहा है भाई। ऑल राइट गाइस इसे खोल कर देखते हैं। 3 2 1 लेट्स गो। महीने में कितने बार नहाते हो? ऑल राइट बताइए छोटू उस्ताद कितने बार नहाते हैं आप। आइला ये क्वेश्चन तो मेरे लिए अप्रोप्रिएट ही नहीं है, मैं महीने में नहीं मैं साल में बस एक बार भी नहीं नहा पाता हूँ, क्योंकि क्या है ना मुझे पानी से खुजली होती है, अगर मैं अपने ऊपर पानी डाल लूँ तो मैं गंदा हो जाता हूँ, इसलिए मैं पानी से बचकर रहता हूँ। ओ माय गॉड गाइस ये बंदा साल में एक बार भी नहीं नहाता है, मतलब ये कभी नहाता ही नहीं है भाई, इसको दूर रखो यार। ऑलराइट अब अपन बुलाएंगे एवेंजर्स को। एवेंजर्स असेंबल। ए एक मिनट ये कौन से एवेंजर भाई, कहाँ से आ गए तुम लोग? एवेंजर बुला रहा था मैं तो। अरीन भाई आप कुछ भूल रहे हो, आपको भी तो ट्रूथ एंड डेयर करना है। आई मीन हाँ ट्रूथ या डेयर में से कुछ एक चूज करना है ना। अरे नहीं नहीं तुझे ट्रूथ भी करना है और फिर एक बार डेयर भी करना है, हमारे इतने मजे लिया है हम भी तो थोड़े मजे ले ले। तो ससुरा हम तुमको ऐसा नहीं छोड़ेगा, हमको तुम छमिया जैसे नचवाया है, हम तुमको नहीं छोड़ेगा ससुरा। अरे भाई ये लोग तो सब एक साथ चढ़ रहे हैं, मैं भाग भी नहीं सकता हूँ, अगले बार भी तो ऐसे चैलेंज कराना है। गाइस यार ठीक है मेरे को दोनों करने बोल रहे यार। पहले मैं ट्रूथ ले लेता हूँ, एटलीस्ट गाइस थोड़ा सा बच जाऊंगा। भाई तुम सभी ने एक एक किया है और मैं यहाँ पे भाई दो नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ सिप और सिप में ट्रूथ लेने वाला हूँ। गाइस देखो मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर डेयर ले लेता हूँ ना तो भाई मेरे को कुछ ऐसा डेयर ना मिल जाए जो कि गाइस बहुत हार्ड हो, इसलिए मैं डेयर नहीं कर रहा हूँ। देखो ट्रूथ में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा गाइस, थोड़ी सी बेइज्जती होगी। अब इज्जत वाला तो ऐसा सीन है नहीं अपना, तो गाइस बेइज्जती भी सह लेंगे थोड़ा, लेकिन भाई डेयर पे बहुत मेहनत लगेगी, और अगर अनसक्सेसफुल रहा डेयर तो गाइस भारी पनिशमेंट। इसमें तो सिर्फ झूठ नहीं बोलना है सच बोलना है, तो गाइस अपन सच का साथ देते हैं। ऑल राइट 3 2 1 लेट्स गो। अपना सबसे सैडेस्ट मोमेंट बताए। ऑल राइट मेरा सबसे सैडेस्ट मोमेंट क्या था गाइस, मतलब मेरा बहुत ज्यादा दुखी जो मोमेंट था ना वो कब आता है गाइस, जब लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। सच बता रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाता हूँ, इसलिए गाइस अगर आप चाहते हो कि मेरी सैडनेस मिट जाए सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक, इतना आसान है मुझे खुश करना, वो देखो ये लाल सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दो गाइस, इससे मैं खुश हो जाऊंगा। गाइस जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।